भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के उस बयान को लेकर शनिवार को उन पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग की थी। शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, और कहा भाजपा अध्यक्ष ने यहाँ चुनावी रैली में कहा कि जब तक भाजपा का अस्तित्व है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। उन्होंने कहा, कश्मीर माँ भारत का मुकुट है और कोई उसे छीन नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा, अगर आप नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हम अनुच्छेद 370 हटा देंगे। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विशेषता दर्ज कराती है। शाह के इस सवाल के, देश में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, पर भीड़ ने तेज आवाज में नहीं उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राष्ट्र को मोदी दिया और तब से देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। शाह ने कहा कि संपर्क सरकार के 10 वर्ष के शासन के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी समूह भारत को लगातार निशाना बांधते थे। उन्होंने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासन में पाकिस्तान के आलिया मालिया एवं बालिया यहाँ आते थे और जवानों को मारने के बाद उनके सिर ले जाया करते थे। उन्होंने कहा, आज भी मैं हेमराज के सिर कलम किए जाने और उनके अपमान की बात नहीं भूल सकता, लेकिन मोनी बाबा मनमोहन सिंह के मुँह से उत्तर नहीं निकला। पाकिस्तानी सैनिकों ने 13 राजपूताना राइफल्स के लाश नायक हेमराज की जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में 8 जनवरी 2013 को हत्या कर दी थी और उनका सिर कलम कर दिया था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, हम राष्ट्र की सुरक्षा के समझौता नहीं कर सकते, पाकिस्तान भारत से कश्मीर को अलग करना चाहता है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से गोली आएगी तो यहाँ से गोला जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग वाली टिप्पणी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। शाह ने लोगों से पूछा, भाजपा ने राष्ट्र को मोदी दिया और तब से देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। शाह ने कहा, जब देश 26 फरवरी के बालाकोट हवाई हमले के बाद मिठाई बांट कर खुशी मना रहा था, तब कांग्रेस एवं पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ था। उन्होंने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान को भी हास्यास्पद बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लड़कों ने गलती की और दो पड़ोसी देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए। वहीं विपक्ष के गठबंधन की आलोचना करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि वे जब भी सत्ता में होते हैं भयंकर भ्रष्टाचार करते हैं, और यहाँ तक कि 2006 में उन्होंने निर्दलीय विधायक को झारखंड का मुख्यमंत्री भी बनाया। शाह यहाँ पार्टी के मौजूद सांसद विशुद्ध दलराम के लिए प्रचार करने आए थे और